भाई हटो, सामने से हटो। भैया जब्बर बीच में से हट। शहजाद आलम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान मुकद्दसा की तिलावत से आगाज़ करें। بالهدى ودين الحق ليظهره
الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب سعید میں بحیثیت سرپرست خادم آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ قلبی شریف کا صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں۔ میرا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں۔ حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قدابر علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے۔ آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ وقاری
मुफ्ती शहजाद आलम साहब कबीला खादिम जामियत रज़ा मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, ये हज़रत के मआविन होंगे। गुफ्तगू जितनी भी जो भी होगी वह अहले सुन्नत वल जमात की फ़िक्र की रोशनी में हम आप हाज़िर करने हाज़िर हुए हैं। बड़ी संजीदगी और फिक्र का हमें मुज़ाहरा पेश करना है। हम किसी मसाइल के हल के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। ज़माने के हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी तरह का तसादुम या किसी तरह की कोई फ़िक्र और पेश की जाए। बड़े संजीदगी के साथ मैं दोनों इस जमात के इस तंजीम इस तरफ से जो सदर हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसको हैंडल देखें और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। सलाम हज़रत उलमाए कराम, मशाइख़ ज़बील एहतराम और बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं सैयद सिप्तैन हैदर, खादिम सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया, बहैसियत सरपरस्त तरफ आखर और बहैसियत हकम यहाँ पे हाज़िर हूँ। और हकम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि ये दो तहरीरें मेरे सामने हैं हर दो तरफ की। एक आध बस बात अर्ज़ करूँगा मैं और कुछ नहीं। सबसे पहले कुरान पाक की इस आयत के उन्वान के तहत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन उरीदु इल्ला लिस्लाह मस्ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। हज़रात गिरामी, मुझे जो हालात मालूम हुए थे, मैं आप हज़रात की तवज्जो ख़ास तौर पर चाहूँगा। मुझे जो यहाँ पर हालात मालूम हुए थे वो ये कि अहले सुन्नत के दो फड़ हैं, दो फरीक हैं जिनमें आपस में कुछ मसाइल पर कहा सुनी हो गई है और वो मामला जो हैं कशीदा हो गए हैं। ये मुझे परसों पता चला। मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ इन दोनों की इस्लाह करने के लिए। यहाँ पे हूँ तो पता चला कि यहाँ पे मुनाजरे का माहौल पैदा हो गया है। ये जो तहरीरें मेरे सामने हैं इनके अंदर मुझे ऐसा कोई मसला नहीं दिखता कि जिसके अंदर जिस पे मुनाजरा किया जाए। लिहाजा मैं आप हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया, आप अपना हुक्म लगा दें। उसके बाद चूँकि हम तो इसमें इंक्लूडेड थे ही नहीं, अब हमारा नाम इसमें इंक्लूड कर लिया गया है और माशाल्लाह बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो आप हजरात जो हैं वो इस पर अपना हुक्म लगाएं और उसके बाद इंशाल्लाह तबारक व तआला बाकायदा तैयारी के साथ आप हजरात के साथ मुनाजरा किया जाएगा और शराइत और जवाबित जो हैं तय करके फिर किया जाएगा। हाँ, इसमें नाकिस हैं। ठीक है, सामान वो हजरात जिन्होंने बार बार इसरार करके मुनाजरे के लिए बार बार चैलेंज किया, अब अभी ये गुफ्तगू सामने आई कि अभी कोई तैयारी नहीं, आगे तैयारी करके मुनाजरा किया जाएगा, तो फिर सामने से ये दावत कि मुनाजरे के लिए गुफ्तगू में दरमियान में बैठना है, या तो ये गुफ्तगू होती कि बैठकर कुछ मसाइल पर बात करना है, उसके बाद तय होने के बाद फिर मुनाजरा होगा। मगर तहरीर ये दी जा रही है बार बार, शासन को भी यही तहरीर दी गई, तमाम लोगों को भी ये तहरीर पहुँचाई गई कि मुनाजरा ही होना है। तो आपकी तरफ से मुनाजरे के लिए दावत दी गई, हमने आपकी
چیلنج کو آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا قبول کیا جنہوں نے چیلنج کیا اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو بھائی چیلنج کیا ہم نے آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ دو عناوین پر آ چکا تھا میں نے تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے دوسری نشست ہوئی اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے اور اس میں دو عنوان منتخب کیے گئے پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں خلافت میں چوتھا مانتے ہیں دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے تو یہ دو عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں آن ریکارڈ ہیں اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے جیسا کہ خبر ہمیں ملی اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے تو پھر یہ سارا انتظام انسرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے دو بار اور یہ ایک کی تحریر نہیں ہے طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضامند ہیں آپ بتائیے دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر گئی تھی نا ہاتھ اٹھائیے آپ لوگوں کی رضامندی سے گئی تھی وہ تحریر ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں استاد گرامی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں لیکن اصرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا تو اب جب یہاں ساری چیزیں ہو گئی ہیں پرشاسن بھی یہاں موجود ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شرائط مناظرہ طے کر لیے جائیں یا پھر اصل موقع پر ہی گفتگو کر لی جائے تاکہ آنے کا کچھ تو محاصل نکلے بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اب بات کچھ ہو ہی جائے
और ये जनाब अफजल बरकाती साहब ने मुनाजरा का चैलेंज दिया है। तो जहाँ तक बात इसे जो लेटर ये मुझे भी मिला है, दो दिन या तीन दिन पहले व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे मिला ये लेटर, तो मैंने भी इनको बोला कि ये मुनाजरे के लिए, आप भी देख सकते हैं लेटर आपके पास होगा, आप उसमें देखिए, मुनाजरे के लिए चैलेंज के लिए बड़ा नाकिस लेटर है ये। एक तो चैलेंज, मुकाबला या इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे किसी को चैलेंज किया हो इसने। ये कह रहे हैं जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात की खबर दे रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये भी नहीं है, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये बात वाजह ही नहीं है। तो सामने से आके कौन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ? एक तो चैलेंज है नहीं इसमें, सब लोग गौर से देख लें, चैलेंज नहीं है। और दूसरी बात, जो इन्होंने अपना मौकिफ जो भी इख्तियार किया है, तो इस पे आपने क्या हुक्म लगाए हैं जो इमाम साहब ताहिरुल क़ादरी रिज़वी साहब मुनाजरा करके ये क्या नतीजा निकालेंगे, ये इस पे ये क्लियर करें कि हमने ये हुक्म इन पे नाफिज कर दिया है। आप इनको अहले सुन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, मोमिन साबित करना चाहते हैं, मुसलमान साबित करना चाहते हैं, तो दलाइल दीजिए। आपने तो कुछ कहा नहीं, इनको क्या कहेंगे आप, क्यों मुनाजरा कर रहे हैं, कुछ कहना ही नहीं है आपको, कोई मकसद ही नहीं है इसका, कोई है ही नहीं है। जब मुनाजरा करना इसका आवस है, लघु है इस तरह से जो है, इसीलिए हमारे वकारे मिल्लत यहाँ पे हम लोग वाकई में ये जो है ना, इस बात को वहाँ से लेकर चलें कि हम इस्लाह लेकर चलें, अगर दोनों पक्षों में सुलह हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम मुनाजरा के कायल कतई नहीं हैं, आज तक हमने मुनाजरा की महफिल में शिरकत नहीं की, मुनाजरा करना हमारा जो है क्या कहते हैं पेशा नहीं है, हम मुनाजरा के कायल नहीं हैं, अपने आप को मुनाजिर कहलवाना पसंद भी नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलह कहिए अगर हमको कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते वो भी मत कहिए, हम इस्लाह पसंद हैं, इस्लाह चाहते हैं। फिर भी खैर आपकी बारगाह में अरीज़ा है, अगर आप मुनाजरा के खाहां हैं, नहीं मुनाजरा ही होगा, आप हुक्म लगा दीजिए, खानकाह बरकातिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, इंशाल्लाह जो है आके वहाँ पे बैठ के चाहेंगे तो बात करेंगे, और डिबेट करना चाहेंगे, मुनाजरा करना चाहेंगे तो मुनाजरा होगा वहाँ पे। मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है, फरीक हमने अपनी जानिब से मुतकल्लिम और उनका मुआविन किया, गुफ्तगू जो भी जिस पर हो या शरायत मुनाजरा पर हो या मुनाजरे पर हो, आप अपनी जानिब से मुतकल्लिम का इंतखाब कर दें और फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू जिस जी पहले कमेटी ने, अब मुझे ये कमेटी बताए कि आप हजरात ने हम लोगों को किस लिए बुलाया है। इनकी कमेटी से पूछ, हम तो आप हजरात से बार बार यही पूछ रहे थे, क्यों बुलाया वो ये कमेटी, आप लोग हजरात बताएं कि आखिर हम लोगों को क्यों बुलाया गया, जब किसी उस पर बात होना ही नहीं थे, ना मुनाजरा होना है, ना कोई उस पर वो होना है, तो फिर आखिर बुलाया क्यों गया, वजह क्या है इसकी? आप हजरात ने दूसरे पेज पर ये जो है आपने लिखा है अपना वाला, मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरे की ताखीर तारीख तायुन की बताई जाएगी, ये आप लिख रहे हैं उसमें कि मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरा आप तय कर चुके हैं। आप हजरात दोनों फरीकैन ने आपस में आपके आपस की गुफ्तगू में बैठकर आपने क्या डिसाइड किया? डिसाइड करने के बाद ही तो लेटर आपने आम किए हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, ये जो लेटर पैड मेरे हाथ में है, ये थोड़ा बताइए, मरकजी सुन्नी मदीना मस्जिद बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये मोहर किसकी है? आप मुझे बताइए, आप हजरत बताइए, आप हजरत की मोहर है नहीं है? सदर मोहतरम कौन से हैं इसमें? आपकी तरफ के जो सदर हैं, जैसे इधर से शरीफ भाई हैं, उधर से कौन सदर मुंतखब किए गए? मैं उनसे थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ, ये आप ही की है ना? तो
इसमें शुरू में लिखा हुआ है मुनाज़रे की दिनांक 22/10/2024 दोनों पक्षों की सहमति से। तो मैं मोहतरम जो आप हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज गुजार हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि इसमें चैलेंज का कहीं लफ्ज़ नहीं है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इसमें लिखा है दोनों पक्षों की सहमति से और नीचे साइन भी हैं और ऊपर इन लोगों ने जब चैलेंज मुनाज़रा कबूल किया है तो लिखा है जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व ख़तीब मदीना मस्जिद क्या है केवर ठेकड़ी की तरफ से जो चैलेंज मुनाज़रा किया गया, अगर वो चैलेंज मुनाज़रा नहीं कर रहे थे तो उनको इस तहरीर पर एतराज़ करना चाहिए था कि मैंने चैलेंज किया ही नहीं है। वो मौलाना अफजल साहब कौन से हैं, ज़रा थोड़ा चेहरा नज़र आ जाए, आप बताइए आपकी मौजूदगी में ये तहरीर लिखी गई कि नहीं है? नहीं, ये वाली जो तहरीर आपने दी है ये आपकी तहरीर है कि नहीं है, जो दो उनवान पर आपने बात करने के लिए कहा है? नहीं, इसी वाली उधर कर गई, ये हाफिज़ तारिक की तो इसी वाली है ना, ये वाली हाफिज़ तारिक की, ये जो दो अनावीन का इंतखाब किया था आपने, मैं मोहम्मद अफजल हुसैन बरकाती जो लिखा हुआ है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा ज़ेल हैं। तो एक बात मैं मोहतरम समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं चैलेंज मुनाजरा नहीं है, जबकि पहली ही लाइन है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये बाबुल इल्म फाउंडेशन का लेटर पैड है और इसके शुरू में लिखा हुआ है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा ज़ेल हैं। तो उसको चैलेंज मुनाजरा आप कैसे नहीं मानना है? क्या उसके लिए लफ्ज़ चैलेंज का होना ज़रूरी है? और अगर चैलेंज का होना ज़रूरी है तो आप इस तरफ देखिए कि जब इधर कहा गया कि जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व ख़तीब की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया तो इमाम साहब को चाहिए था कि वो इनकार करते इस चीज़ का कि मैंने चैलेंज कब किया है। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, उन्होंने दो उनवान खुद लिख कर दिए और अपने लेटर पैड पर दिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हुक्म लगाइए हम पर, अभी तो गुफ्तगू होगी ना, गुफ्तगू के बाद दलाइल सामने आएंगे तब इंशाअल्लाह रहमान जो हुक्म शरा होगा वह बयान कर दिया जाएगा। आपकी तीसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सुलह कर लीजिए, तो ये कोई घरेलू झगड़ा नहीं है, ना बाप दादा का झगड़ा है, ना शादी का है कि भैया मना करके बिठा लो। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जानते हैं यहाँ पर जो भी बात होगी वो कुरान और हदीस और जो हमारे अदिल्लाए अरबा हैं उनकी रोशनी में होगी और हुक्म शरा जिस पर जो लगेगा वो वाजे हो जाएगा। इसमें हम एक दूसरे के साथ गले मिलकर बात करके सुलह कर लें, ये सुलह वाला मसला ऐसा नहीं है, इसकी सुलह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में है और कुरान और हदीस की रोशनी में सुलह उसी वक्त होगी जब हमारी आपसी गुफ्तगू इस मौके पर हो जाएगी। जी, आप इसको कह रहे हैं कि इसमें मुनाजरा का चैलेंज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं आपकी बात ही अगर ले रहा हूं कि आपको मुनाजरा का चैलेंज समझ में आ रहा है तो वही बात तो मैंने अर्ज की थी आपसे, आपको समझ में आ रहा है तो आप इनको जो है लगाइए इन पे, क्या आप इससे क्या अखज़ करेंगे, क्या इनको बनाएंगे, क्यों हम मुनाजरा करें? मैंने आपसे अर्ज किया कि ये बात हुक्म शरा तो बात का मसला है ना, चैलेंज समझ में आ नहीं रहा है, चैलेंज लिखा हुआ है। अच्छा, आप थोड़ा सा एक मिनट, मैं अगर माजरत के साथ, इमाम साहब जो बैठे हैं हम एक दूसरे के तर्जमान बनने के बजाय आप इन्हीं से ज़रा माइक देकर के इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने दो दो बार चैलेंज किया कि नहीं किया और किस नियत से किया था, ये थोड़ी वजाहत कर दें, बात समझ में आ जाएगी। अपनी बात जो अर्ज कर लूँ उसके बाद जी बताइए जो है क्या कहते हैं पूरी कर दी जाएगी। जी बताइए। है ना, मेरा नाम जो मुमताज़ हुसैन खान अज़हरी, जामिया रसूल का मैं खादिम हूँ। जी है ना, इसमें लिखा है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, यही बात इसमें लिखी है। जी है ना, करना है, पता चला इससे पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई है? अगर कोई बात हुई है तो हमारे पास जो पेपर हैं इसमें कोई बात हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नहीं पहुँची हो। अब देखिए, इसमें चैलेंज क्लियर उनका समझ में नहीं आ रहा है और फिर आप उनकी तर्जमानी ऐसी कर रहे हैं जबकि काइल सामने मौजूद है। तो तर्जमानी तो आप अपने हिसाब से भी तो कर रहे हैं इसकी,
मेरी तरफ से तो जो बंदा है और जो चीज़ है, चैलेंज आपकी तरफ से था, हमने कबूल किया, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं चैलेंज है नहीं, तो इसकी इसकी वजाहत वो करेंगे। जी, चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। नहीं हजरत, देखिए वाज़े तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो ये फिर लेटर के बारे में मैं क्या कहूँ? ये लेटर के बारे में वही उसी चीज़ को देखने के लिए ही तो मैं आया हूँ मेरे भाई, उसी चीज़ को देखने के लिए। जब यहाँ पे पता चला कि आपसी तसादुम हो गया है। अच्छा, तो बातों को लेकर मौलाना अफजल साहब से पूछवा दीजिए फिर, इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। आप बता दीजिए क्या था फिर, हम क्या समझे इसको? जो दो दो तहरीरें आपकी आई थी, इसको हम क्या समझे? माइक दे दीजिए मौलाना अफजल साहब को। आप उलमा की बात चल रही, गैर उलमा नहीं बोले। माइक दे दीजिए। ये जो सामने वाले हैं, ये बताएं इनको चैलेंज कहाँ से कैसे मिला, है ना? कौन है? पहले ताहिर साहब, पहले करने वाला बता दे, मिला जिसको है वो बात का मसला। मैं आपको कोई चीज चेने गया तो पहले मैं बताऊंगा मैं देने गया था, आपने उसको हासिल किया तो आपका मरहला बात का आएगा ना। तो पहले जिसने किया है वो बताएं, वो या फिर ये कह दें इस बात को ना। अफजल साहब आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सामने से चैलेंज किया है उनको, नहीं किया है? आप अपनी बात वाजे करें। ठीक है हजरत, आपकी बात पे उनसे ही बात हम जो है उनको माइक दे रहे हैं। शरीफ भाई बात सुनिएगा ध्यान से, अब आपकी बारी है। मौज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये जो बात हो रही है चैलेंज मुनाज़रा का, ये गालिबन 10 मई की बात है, 10 मई 2024। कमेटी के ज़रिए हमें ख़बर मौसूल हुई कि फिरोज़ भाई के ऑफिस पे बैठक होनी है इसी मैटर को लेकर के। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे वहाँ। वहाँ गए तो मौलाना याकूब साहब थे और हज़रत कारी ताहिर साहब थे और हाफिज़ फुरक़ान साहब थे, तो वो तबीयत नासाज होने की वजह से फ़ौरन उठ के चले गए। तो जब हम वहाँ गए आपस में बात करने के लिए हम गए थे, जब वहाँ हम पहुँचे तो मौलाना याकूब तो यहाँ है नहीं और शरीफ भाई मौजूद हैं यहाँ। वहाँ हम गए थे आपस में गुफ्तगू करके मामला हल करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इल्मी बात करने के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाकर आपसे गुफ्तगू कराया जाएगा। ये 10 मई 2024 को बात हुई थी और हम लोग गए थे आपसी में बैठ करके बात करके इस मसले को हल करने के लिए। और उन्होंने कहा था बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, वो आएंगे, वही इल्मी मुबाहिसा करेंगे इस पर। उस वक्त हमारा कोई और जब दूसरी नशिस्त में बैठक हुई, जब दूसरी नशिस्त हुई तो मैंने उस वक्त कहा भी था उनसे, हाफिज़ ताहिर साहब मौजूद हैं, मैं बोला कि मैं लिख करके देता हूँ, मैंने मौलाना याकूब साहब से ये भी कहा कि आपने ही कहा था कि आपसे इल्मी मुबाहिसे के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, अगर मैं झूठा हूँ तो आप कुरान सर पे रख करके कह दीजिए, मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त वो थोड़ी सी वो अपने मुद्दे से हट करके बात करने लगे और उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया दूसरी नशिस्त में कि मैंने कहा था कि बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। ये हकीकत है ये। अब आगे की बात बता दीजिए। और उसके बाद क्या नाम है, मुफ्ती अहमद रज़ा साहब भी थे, जब दूसरी नशिस्त हुई थी हम लोगों की सुबहान भाई के घर पे हुई थी, तो वहाँ हमने कहा था कि क्या नाम है, हम तो लिख करके देते हैं, आप हमारे ऊपर हुक्म क्या लगाते हैं? उस वक्त भी सारे लोगों ने हाथ उठा लिया था हमारे तरफ से। ये जो हमने लिख करके, ये हमारी सबसे बड़ी ये है मिस्टेक कि हमने लिख करके दे दिया था। लेकिन टॉर्चर साहब इस जुमले पे गौर कीजिएगा, लेकिन मुनाजरे की चैलेंज मौलाना याकूब साहब की तरफ से किया गया था। ये उनकी कोई सनद कोई दलील है आपके पास, कोई लेटर पैड है कि उसने चैलेंज मुनाजरा आपको किया हो? दलील आपको चाहिए ही नहीं। क्या कह रहे हैं? दलील आपको चाहिए नहीं, तो सामने खुद ही कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मौलाना याकूब साहब ने चैलेंज मुनाजरा किया था। तो अब जो लेटर पैड आपके और मेरे सामने मौजूद है वो तो मौलाना अफजल साहब का है ना,
तो मैं ये तो हक रखता हूँ ना कि आपसे पूछ लूँ कि भाई उन्होंने चैलेंज मुनाजरा किया है तो उनका कागज़ कहाँ है। एक बात थोड़ी सी, दोनों सदर जो हैं वो भी ज़रा इसमें कुछ अपनी तफसीली गुफ्तगु दे दें तो बेहतर है। दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब एक बात बताइए, ये मसला उठा कहाँ से था, ये सारी नौबत आई क्यों, किसकी गुफ्तगु पे आई, किसकी तकरीर पे आई, किसके नज़रिए पे आई? बात खैर काफ़ी हद तक वो कह भी चुके हैं। अब सामने से कौन है इमाम साहब, ये ताहिर साहब जी जी है ना, आपने क्या समझा था, कहाँ से उनका मुनाजरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, आप वाजे तो करें, बताइए, आप पूरी बात बताइए। माइक दिया जाए इनको, माइक ले लीजिए। और याकूब साहब की बात जहाँ तक है, वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हमारे सामने जो बातें हुई हैं, हमें ईशा से कबल पहले बताया गया कि फला जगह पर मशवरे के लिए बैठना है और वहाँ मदीना मस्जिद के इमाम साहब मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, उसी सिलसिले में गुफ्तगू होनी है। हालांकि हम लोग ना मुनाजरे के अतबार से हम वहाँ पहुँचे थे, जबकि ये जो है जनाब कारी मोहम्मद अफजल साहब बाकायदा अपने मुनाजरे के अतबार से किताबें लेकर के ये पहुँचे थे, और हम लोग सिर्फ इस बुनियाद पर पहुँचे थे कि वहाँ कुछ बातें वैसे ही होनी हैं। हमें ये मालूम नहीं कि वहाँ पे मुनाजरा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें इस बात का इल्म है ही नहीं, जबकि ये ख़ुद अपनी किताबें तमाम चीज़ें लेकर के आए थे। हमने इनसे कहा, मैंने भाई ये किताबें उताबें आप लेकर के आए हैं तो किस बुनियाद पर लेकर के आए हैं, तो इन्होंने कहा था कि भाई ये जो मैं किताबें लेकर के आया हूँ आज मसले को हल करें। मैंने कहा देखिए ये मसला जो है ये इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं, समझे। और यहाँ पर हमें जो बुलाया गया है वो इस मकसद के लिए बुलाया गया, ना मुनाजरे के अतबार से हमें बुलाया गया और ना ही किसी चीज़ के लिए बुलाया गया हमें। मैंने कहा आपसे, मैंने इनसे ये कहा, मैंने भाई अगर ऐसा है तो आप अपना अकीदा बयान करें और अपना अकीदा लिखें, फिर उसके बाद में हमारे जो उलमा आएंगे फिर वो गुफ्तगू करेंगे। तब इन्होंने जो है बाकायदा तहरीर सबके सामने लिखी कि मेरा ये अकीदा है। तो चैलेंज तो आप ही तो करवा रहे हैं, चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। सुनिए, मसला हल करने गए थे किताब लेके, मसला हल कर लिए होते तो भाई ये बताइए ना, तो आप हम तो वहां पर किसी, एक मिनट हाफिज साहब चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप ही करवा रहे थे, तो अल्लाह ने सामने वाले को इतनी अक्ल दी है ना, उसने हम कुछ भी कहें वो एकदम तस्लीम कर लेंगे उसको। हमने आपसे कहें कि आप ये लिख दीजिए, आप लिख देंगे। हम ये कहें कि जो मौकिफ आपका इसमें है उस मौकिफ से रुजू करके आप जो है अहले सुन्नत वल जमात का मौकिफ आप बयान कर दीजिए, तहरीरी शक्ल में दे दीजिए, आप दे देंगे फौरन। आपने अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल दी है और समझ दी है कि आप सामने वाले के कहने पर अगर मान लीजिए वो उकसा भी रहा है तो आपको तो अपना पूरी तरीके से सब्र रखना था। किताबें ही आपकी ये बता रही हैं कि आप वहाँ पर अपने एतबार से गुफ्तगू करने गए थे। हाफिज साहब ने कहा कि मैं जो है मशवरे के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, किताब लेके जाना मतलब मुनाजरा करने जाना हुआ भाई, मुनाजरा करने की बात नहीं कर, लफ्ज़ मुनाजरा मैंने नहीं बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड है मेरी बात सुनो, नहीं चैलेंज भी नहीं बोला है, बात मसले को हल करने की बात मैंने बोली, ऑन रिकॉर्ड है आप सुन सकते हैं। किससे होंगे? अच्छा किससे फिर होंगे, किताब से नहीं होंगे? किताब लेके गए थे आप, चैलेंज करने गए थे, मसाइल किताब से हल नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे? हमारे बुजुर्गों की दलीलें कहाँ हैं? आसमान से नुज़ूले वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है, बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है जो अदिल्ला अरबा उन्हीं से बात होगी ना। तो उसी तो को पॉइंट बना रहे हैं यार कि किताब लेके गए थे, उनकी नियत क्या थी, समझ में आ रहा है। अब एक बात मुझे बताइए अजरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं आपने कहने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं तो मुतरिफ ही नहीं हूं कि चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा आप कैसे कह रहे हैं, लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका वो जुमला निकालिए जरा फिर देखते हैं, जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है तो ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ, सरी लफ्ज़ के अंदर आप जो है ताबीले भेजा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। ये आप बताइए कैसे नहीं है? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है। मुनाजरा किसको कहते हैं? ये जुमला इसी में बात समझ में आ रहा है। देखिए आप बातें को दूसरी तरफ ले जाइए, घुमाइए नहीं। आप बैठिए आराम से। बात जो है अभी मेरी और अजहरी साहब की बात चल रही है। इसमें चैलेंज की हुई, चैलेंज किसने किया, चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है, अजहरी साहब किसने किया? मौलाना अफजल साहब ने। नहीं, ये तो इसमें वाजह नहीं है। अरे ये क्या लिखा है? ये कह रहा है जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है। हजरत हजरत ये अजहरी साहब, अजहरी साहब एक बात सुनिए। अभी उन्होंने एक जुमला बोला है कि हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने लिख करके दिया। हाँ, ये क्या लिख करके दिया? ये जो लेटर लिख करके, तो ये क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? ये उसको उन्होंने समझा। आप इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे? इससे लफ्ज तहरीर मत बोलिएगा, वो आम लफ्ज है। खास इसकी इस्तलाह में, आपकी इस्तलाह है जो उर्फ है, इस्तलाह है, उसमें क्या बोला जाएगा इसको, मुझे ये बता दीजिए आप। और ये किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती, और मैं जो है इमामत वगैरह ये सब बयान कर रहे हैं, ये मौलाना अफजल साहब ही हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ किया ना अभी कि मैं जो हूँ वो मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने लिख करके दिया है, और लिख के जो दिया है वो सामने ये है कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं समझता? आपके समझने से नहीं होगा। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि वक्त चूंकि देखिए हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप भी बहुत दूर से आए हैं, कमेटी के लोगों से मैं कहूंगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, चूंकि हम लोग आपकी दावत पे आए हैं ना। हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं, आप हजरात बताइए। आप हजरात ने हमारा वक्त भी लिया है रात का, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। रात एक प्रोग्राम में शिरकत करके आया मुफ्ती साहब, क़िबला उस्ताद मोहतरम दो जगह से प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आए, और ये हमें बताया गया कि वो हजरात बार बार चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। तो अकीदा अहले सुन्नत के दिफा के लिए हमारी आखिरी सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है, और उसको हम बस देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आ गए हैं तो आप दोनों हजरात बताइए अब क्या चाहते हैं। बड़ी मुख्तसर से अपनी बात में खत्म करूंगा, बड़ी मुख्तसर से बुलाए हैं ये आप हजरात, ये बताइए मुनाजरे के लिए आप लोगों ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सदर साहब कहाँ हैं? जी जी जी, आपको मैं पूरा पूरा मौका देता हूँ। ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए, वक्त मुतय्यन कर लीजिए, कोई मसला नहीं। तो ये सब हो जाने चाहिए शरायत है ना। एक तो मैं पहले इसलिए आ रहा हूँ, जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना, अल्लाह जाने कहाँ से ये समझा जा रहा है कि ये चैलेंज है, और है तो ये मौलाना अफजल की तरफ से ही है। तो फिर आप हजरात क्यों आए हैं उनके तर्जमान बनकर? ये हमने पहले, हमारे सरपंच साहब ने पहले इसलाह कर दी है उसकी, कि हम जो है हमारा हल्का है, हमने इंतशार देखा, इंतशार की खबर हमें मिली कि आपस में इंतशार हो रहा है, हमारे अगर सुलह मसालत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। फिर हमने तब भी कहा था आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए, या जो भी मामला आप करना चाहते हैं हजरत मैं बोलना चाहूंगा, वो कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए हजरत, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे मेरी बात आप बीच में जो आप लोग और सिलसिला मुनकते हो जाता है ना। ये मामला है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, इस लेटर से सब सारे अहले दानिश अक्ल को मैं मुतवज्जह करना चाहता हूँ। ये कहीं नहीं वाजे होता है कि मौलाना अफजल साहब ने ही चैलेंज किया है, हो सकता है हिजब मुखालिफ ने चैलेंज किया हो, हमें करना है ये भी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, हो सकता, दोनों की बातें हो सकती हैं, इसमें जो पॉसिबिलिटी है दोनों है, इम्कान दोनों है, दोनों की तरफ से चैलेंज हो सकता है ये। अच्छा, दूसरी बात में, दूसरी बात जी जी बोलिए है ना, कि इन्होंने जो लिख के अपना जो नोट दे दिया है ना कि मेरा ये है मामला, जो भी है ना इनका मामला अपना, दूसरे पक्ष का ये है, ये नहीं है, दूसरे पक्ष ने लिखा है कि मैं मोहम्मद अफजल और पूरा जो खतीब इमाम लिखा है, जो चैलेंज मुनाजरा किया गया है ना, वो जो क्या कह रहे हैं ये चैलेंज मुनाजरा कबूल करते हैं।
ठीक है, बोलिए आगे बोलिए। तो ये चैलेंज क्यों कबूल कर रहे हैं जब चैलेंज का यहाँ पे जिक्र नहीं है? तो अब एक मिनट, मैं ये दोनों तरफ से हो सकता है। ये और सुनिए जी जी, आप 10 मई का लेटर, 10 मई वाला है ना? जी जी बोलिए। 10 मई पे जो एक मीटिंग जो फिरोज भाई साहब के घर पे हुई थी, है ना, इसमें जो है मोहम्मद अफजल साहब की कोई दस्तखत नहीं है, इसमें जो है दस्तखत ताहिरुल कादरी रिजवी साहब के हैं। किसमें? बहरहाल फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप लोग मुनाजरा करना ही चाहते हैं, मुनाजरा करने आए हैं, तो जो भी कर दिया आप इनकी गलती मान रहे हैं, गलती माने, जो आप मान रहे हैं आप डिसाइड कर दीजिए फुल एंड फाइनल, क्या आपका मामला लग गया, हम मुनाजरा करेंगे आपसे। आप एक बात मुझे बताइए कि जब हुक्म शरा लगा दिया गया, हुक्म शरा का जो मसला है, हुक्म शरा अगर लगा दिया गया तो फिर आपकी तरफ से मुनाजरा या फिर मुनाजरे की गुफ्तगू कहाँ हुई? फिर आप कहेंगे एक तरफा हुक्म लगाया गया, यही आप बोलेंगे। एक बात, दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब, अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बताइए कि जब इन लोगों ने ये लिखा था, ये आपकी तरफ से वो था जो कौन सा बाबुल इल्म करके है, हाँ बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये आपका लेटर था, जब आपने लेटर दिया था एक तरफ, जब आपने लेटर दिया था उसके बाद इन्होंने उस लेटर को कबूल किया था, और ये कबूलियत का जो मसला है वो उसी महफिल में था, उसी नशिस्त में था ना, बोलिए, उसी नशिस्त में था, एक ही नशिस्त में था। अजरी साहब ज़रा सुन लीजिएगा, एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा इन्होंने किया और इसरार किया गया कि आप फौरन कबूल कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिएगा, ये जो तहरीर लिखी गई थी जनाब मोहम्मद अफजल इमाम और ख़तीब वाली की तरफ से चैलेंज मुनाजरा किया गया है, ये तहरीर आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। आपके हाथ में तहरीर आई थी? आई थी। आप अगर चैलेंज मुनाजरा नहीं करें, देखिए तौजीहुल कौली बिमा लायर्दा बिहिल काइल का मैं काइल नहीं हूँ, अजरी साहब अपनी तरफ से एहतमालात निकाल रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, काइल सामने मौजूद है, काइल कह रहा है कि एक ही नशस्त में चैलेंज मुनाजरा हुआ और एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा को कबूल किया गया। अगर आपने चैलेंज मुनाजरा नहीं किया था तो फिर आपने इस तहरीर को एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने ये कब कहा कि मैंने चैलेंज मुनाजरा उसी नशिस्त में किया था? किसी में किया, किसी में कबूल किया? मैंने चैलेंज नहीं किया था मुनाजरे का। अच्छा, तो मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया था। अच्छा, तो ये क्या था? वो चैलेंज मुनाजरा है ही नहीं, वो लफ्ज़े मुनाजरा नहीं लिखा, चैलेंज है ही नहीं, है मुनाजरा नहीं लिखा है, लफ्ज़े मुनाजरा लिखा है लेकिन चैलेंज लफ्ज़ नहीं लिखा उसमें। लफ्ज़े सरी को दे करके आप बिल्कुल इस तरीके से इनकार कर रहे हैं। कहा जाएगा अगर कि मुनाजरा करो तो कहेंगे हम। अच्छा एक बात बताइए, ये इनका अपना इंडिया है, आप भी इसी के कायल हैं कि नहीं? किसके? ये जो इन्होंने लिखा आप कह रहे हैं मौलाना अफजल साहब की अपनी तहरीर है, ये इनका अपना इंडिया है या आप भी उसी के उसी जुमरे में है? ये जो इनकी तहरीर है, दो तहरीर कीजिए इंडिया। अरे जो मौकिफ इन्होंने जिक्र किया है आपने अभी पढ़ के सुनाया ना, बात तो ये मुनाजरा मेरे ऊपर होने नहीं आया है। आप मुनाजिर या मुतकल्लिम की हैसियत से हैं ना आप? पहले बात ये होगा, ये आप बात कर रहे हैं ना इतनी देर में? अरे वो तो लोग, ये मुतकल्लिम तो कोई भी बात करेगा, मुतकल्लिम रहेगा नहीं, अगर तो जाहिर सी बात है आप बात मत कीजिए फिर, आप जब मुतकल्लिम की हैसियत से नहीं है। मुतकल्लिम ही है। नहीं, मैंने मुनाजरा सुनिए, मुनाजरा के शरायती तय हर मुतकल्लिम नहीं है, हम लोगों ने पहले ही मुंतखब कर लिया कि मुफ्ती साहब मुतकल्लिम, मैं मुआविन, और मुआविन को मुतकल्लिम की मौजूदगी में बोलने का हक होता है। हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप अपना मुतकल्लिम मुतय्यन कर लीजिए, आपने नहीं किया लेकिन आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप मुतकल्लिम हैं, आप मुतकल्लिम हैं, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं मुतकल्लिम तो नहीं, तो दूसरी तरफ नहीं मौलाना अफजल, अब आप बताइए आपका नजरिया। मौलाना अफजल रुके जो है, आप बात कीजिए हमसे जो है ना, आप मुनाजरा ही समझ रहे हैं, जो दूसरी बात मेरी आ रही थी बीच में, असल में आप मामला रह जाते हैं। अजरी साहब आपने बोला कि मैं मुनाजरा, मेरे ऊपर मुनाजरा थोड़ी हो रहा है, तो फिर मैं आपसे बात क्यों करूं? ये मामला नहीं कि मैं अपना क्या कहते हैं, मेरा इंडिया क्या है, मैं क्यों अपना इंडिया किसको बताऊं? तो ठीक है आप अपना इंडिया मत बताइए, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुनिए, जिसको जो समझ में आए मेरा इंडिया वो मेरे ऊपर करे हो। तो ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में ये भी शामिल है कि वल मुरादो बिल मुब्तदी मैं यातकिदु शयन अला खिलाफी मा यातकिदुहु अहले सुन्नती वल जमा, ये भी इंडिया है। हाँ, तो कहाँ से समझ गए आप पूरी तरीके से? आपका जब वो इंडिया नहीं है तो आप अपनी उनकी तर्जमानी, या तो आप कहिए मैं तर्जमानी कर रहा हूँ उनकी, और अगर तर्जमानी नहीं कर रहे हैं तो मुतकल्लिम साहब वो कहते हैं कायल मौजूद है, कायल बता दे कि अब भी इनका ये इंडिया है कि नहीं है जो आपने लिख के दिया, आप इसी पर कायम है या तो फिर इससे आप रुजू कर रहे हैं? एक मिनट, आप इनके इमाम साहब की तर्जमानी कर रहे हैं?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका नजरिया मेरा नजरिया मैं उनके नजरिए की तर्जमानी करता हूँ। उनके इमाम एक्सेप्ट अगर आपके हिसाब से मैं देखिए हजरत चैलेंज हुआ है अजरी साहब मैं जो बोल रहा हूँ ये जितने हजरात बैठे हैं इस तरफ मैं सबके नजरिए का तर्जमान हूँ। आपकी तरह मैं आप उनकी तरफ से बोलने के उनके वकील हैं आप जी। मैं जो मुझे अभी हजरत ने क्या कहा मुतकल्लिम और मुआविने मुतकल्लिम एक्सेप्ट ऐलान तो यही किया था ना मैंने कि मैं सरपरस्त होने की हैसियत से इस जमात की जानिब से सरपरस्त होने की हैसियत से अपनी सरपरस्ती के ऐलान के बाद मैं मुतकल्लिम का भी ऐलान कर रहा हूँ और जो है मुआविन का भी ऐलान कर रहा हूँ। तो जब मैं सरपरस्त होने की हैसियत से इन दो हजरात का मैंने ऐलान कर दिया इंतखाब कर दिया तो ये इधर से अफराद बैठे हुए हैं ना तो मुतकल्लिम की गुफ्तगु करेगा या मुआविन जो गुफ्तगु करेगा वो हम सब की ही तो उससे होगी गुफ्तगु। बात मैं जिस तरफ ले जा रहा हूँ आप सरपरस्त हैं ये हमें कैसे पता चलेगा आप सरपरस्त हैं आप कह रहे हैं। अच्छा तो ये तो सदर एक मिनट अजरी साहब अभी आप एक मिनट आपने अभी कहा मैंने कहा ये आपका इंडिया है आपने कहा मेरे सरपरस्त ने पहले ही कह दिया। तो जब आप सैयद साहब को सरपरस्त मान सकते हैं तो हम इस सैयद जादे को सरपरस्त क्यों नहीं मानेंगे। दूसरी बात सुनिए सरपरस्त बनाने का इख्तियार आपको नहीं है हम अपना सरपरस्त अपनी कमेटी में जिसको चुनेंगे हमें पूरा इख्तियार है आप जिसको चुन ले आपको पूरा इख्तियार है हम जिसको मुतकल्लिम बनाए हमें पूरा इख्तियार है इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मसला नहीं है ये आप ट्रैक से हटने की बात कर रहे हैं। सरपरस्त बनाया गया है आपको वकील बनाएंगे तरफ से बोलने के वकील हैं आप। अरे तो कितनी बार मैं आपको बताऊं वकालतनामा दिखा दीजिए आप वकालतनामा दिखा दीजिए जी आपको वकील बनाए इन्होंने अच्छा आपका आपको वकील एक्सेप्ट इन्होंने किया था ना हाँ आपको वकील बनाया होगा जी जी उनकी तरफ से बोल रहे हैं वो ऐलान हुआ ना मुआविन और मुतकल्लिम और मुआविने मुतकल्लिम का हम देखना चाहते हैं। अच्छा आप किस हैसियत से बोल रहे हैं। हाँ मैं वकील हूँ इमाम साहब का। तो कहाँ है आपके पास कहीं है कुछ कोई सनद है आप दिखा देंगे नहीं आप बताइए ना मैं दिखा दूंगा आप दिखा देंगे। अब जाहिर सी बात है वकालत के लिए दो चीजें तहरीर चाहिए तकरीर चाहिए। इमाम साहब आप भी लिखवा दिए लिख दीजिए आप ये देखिए वकालतनामा जो है इमाम साहब का ये वकालतनामा है। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन इब्ने गियासुद्दीन गियान अली अपनी तरफ से आज होने वाले मुनाज़रे इन्होंने फिर इन्होंने लिखा है गुफ्तगु करने का वकील हजरत दोबारा पढ़िए उस लाइन को दोबारा पढ़िए मुनाजरा और आप अभी क्या कह रहे थे मुनाजरा करने नहीं है मुनाजरा के चैलेंज पे मेरी गुफ्तगु हो रही है मुनाजरा होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो आपने ये तो कहा ना कि मैं मुनाजरा करने के लिए आप हमें थोड़ा कागज दीजिए अपना थोड़ा कागज दिया बताइए अभी तो अब जाहिर से बात है हम तो मुनाजरा करने आए हैं ना वकालतनामा दीजिए आप बात करें इसमें कौन सी बात है भाई बोलिए आप जो मौलाना हाफिज ताहिर साहब के वकील हैं तो लाइए दीजिए आप उनके। अरे भाई हम लोगों को बुलाया किस लिए है हम लोगों को बुलाया किस लिए है आपको बुलाया किस लिए है। नहीं हम तो इस्लाह के लिए आए हैं मुसालत के लिए इस्लाह के लिए आए हैं तो उसमें आपने मुनाजरा क्यों उसको आपने सनद के तौर पर जो दिखाया कि देखिए वकालतनामा बातें करेंगे नहीं आपने कहा कि वकालतनामा है अभी दिखाया ना आपने उसमें लफ्ज मुनाजरा है कि नहीं तो आप फिर मुनाजरे से क्यों भाग रहे हैं। वो तो उन्होंने लिखा मुनाजरा चुके अरे यार अजीब मामला है अजरी साहब आपने जामे अजहर में इतनी तालीम की है लफ्ज मुनाजरा पे बात नहीं हो रही मुनाजरा चैलेंज पे बात हो रही है कि चैलेंज उनकी तरफ से ठीक है ये बात एक मिनट सुन लीजिए चैलेंज पे बात हो रही है आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या। अच्छा, सुनिए फिर एक मिनट अब आपको मुनाजरा ही करना है तो ही तो हम कह रहे हैं शरायत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के वो आप तय कर लीजिए जो भी कर लीजिए मुनाजरा जो करना अब आई ना बात बात आ गई ना वो इनकार कर चुके हैं चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा तो एक मिनट मुझे एक बात ये बता दीजिए ठीक एक मिनट जब उनका चैलेंज नहीं है साबित आपके एतबार से मेरे एतबार से नहीं आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है आप तो पढ़े लिखे आपने क्यों उसको वो उन्होंने लिखा है। आपने मुझसे कहा कि वकालतनामा दिखाइए आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया।
तस्लीम किया कि नहीं किया? मुनाज़रा में नहीं होता, अपनी तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील बना सकता है। अज़री साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा आपने वकालतनामा दिखाई, आपने दिखाया ना? आपने, मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ। समझ गए आप? सही है सर, का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, अब सुनिए जरा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मिसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई हजरत, इस पे डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे में, इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 की है, ये तो ताजी ताजी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। किधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराय तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ ये? ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम बारह कह चुके हैं, हम तो सुलह के लिए आए थे कि आपसी में। आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए जी जी, हाँ बोलिए, आप दोनों हजरात माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए कि जिस तरह से आप हजरात ने, दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपके ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है, है? तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अज़हरी साहब वकालत नामा लिए घूम रहे हैं, वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है, आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अज़हरी साहब को वकालत नामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है, सैयद साहब ने भी दो दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत, मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। अरे हजरत अदलिया, आप बुला, मैंने तो पहले ही अपने फुर्सत में गुजारिश आप हजरत से की थी कि भाई मैंने गुफ्तगू करने के लिए इधर से लोगों का इंतखाब कर दिया है ना, हम आप झगड़ने के लिए नहीं या लड़ने के लिए नहीं आए, भाई कोई मसला है हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वादे करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा या गुजारिश की थी कि मैंने इन हजरात का इंतखाब कर दिया है, मुंतखब कर दिया है इन लोगों को, आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको वो करने निकले, जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, मैंने भी तो यही गुजारिश की थी कि भाई आप तायुन कर ले, आपकी जानिब से सदर जो था वो बोलते या इमाम साहब बोलते या आप हजरत बोलते कोई भी बोले, भाई मैंने तो गुजारिश पहले ही की थी कि उसको वाजे कर दिया जाए कि कौन गुफ्तगू करेगा, भाई मुझे गुफ्तगू नहीं, भाई ये जो मराहिल हो रहे हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना जी जी बोलना जिन्हें था मैंने उनका पहले ही ऐलान कर दिया। ठीक है, बोल रही है सैयद साहब, एक मिनट, ये क्या 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 कहना चाह रहे हैं? मुनाजरा जो आप लोग कह रहे हैं बकौल आपके, एक मुनाजरा चैलेंज हुआ, मुनाजरे का एक्सेप्ट आपने नहीं किया था, जिसने किया था आप बोलिए, आप बोलिए, आपका क्या मशवरा चाहिए थी कि हमारे तरफ से ये बात करेंगे, है ना, तो बात की बात हो रही तो फिर बात समझ में आती, अब आप हमारे पर एतराज करें, वकालतनामा हम ये घूम रहे हैं, इतना बड़ा हमने क्या कर दिया, जाहिर सी बात हमने उनसे कहा कि हमारे ऊपर कोई एतराज ना करे भैया, आप बोलिए, आप बोलिए भैया, देखिए बेमकसद बात कर, कोई फायदा नहीं, हाँ आप जी बोलिए, कर लीजिए बिल्कुल। म
माइक ले ले भाई, माइक ले, शरीफ भाई माइक ले ले। अभी मुनाजरे का वक्त नहीं है, इसमें जो है हमने एक लाइन लिखी थी कि सरायत मुनाजरा वक्त मुनाजरा तरफेन के ओर में बैठ कर करेंगे उसी वक्त, माइक को करीब। लेकिन इनकी तरफ से इमाम साहब की तरफ से ये लेटर आया था कि दो बार सरायतें हो गई हैं, अब मुनाजरा ही होगा। और जो इसमें लिखा भी है कुछ भाई है ये, उसमें इनकी तहरी में लिखा है खुद, इनके साइन है, मोहर है, इनका लेटर पेड है, सब है। और रही कबूल की बात, उसको भी इनने दिया लेटर उसी वक्त, और उसी वक्त हमने इनका चैलेंज को अहले सुन्नत वल जमात ने कबूल भी करा है, इसकी तहरीर है। और तीसरी बात, आप लोग या जो लोग, हम खुद भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने ये बात भई थी कि मुनाजरा ही होगा, ये चीज़ की भी लिखा हमारे पास है, प्रशासन की लिखा ये हमारे पास है, ये प्रशासन ने दिया है, इनकी जिम्मेदार लोगों ने साइन करे, हमारे भी जिम्मेदार लोगों ने साइन करे। और इमाम साहब के ही तरफ से चैलेंज था, हमारी तरफ से कोई चैलेंज नहीं, शरीफ कोई चैलेंज का तो चाहिए, चैलेंज कहाँ से हुआ, इन्हीं की तरफ से चैलेंज है जी, वो तो इनकार कर रहे हैं इसमें, वो तो अक्सर नहीं हो रहा है चैलेंज, तो तकरीर में और लिखत में भी उनका चैलेंज हमने नहीं, तो लफ्ज़े चैलेंज को इनकार क्यों नहीं किया उन्होंने हज़री साहब, वाज़े कर दिया है इसमें कि आप उनको बुलवाइए, आपके चैलेंज को कबूल करते हैं। तो उसी वक्त इमाम साहब का ये कहना था कि पहले आप हम जो लिख के देंगे उसका हैंड टू हैंड चैलेंज लिख कर देना, मैं कबूलनामा, तो हमने चैलेंज नामा उसका कबूलनामा दिया है, उसके गवाह ये सुभान भाई इनके घर पर बैठ के दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, और प्रशासन के सामने भी जो अधिकार साहब जो अभी चले गए हैं खुद लिख के दिया था इसका, कुदवाली में लिखा था, उसके तो मुनकर हैं कि चैलेंज हमने नहीं किया था। दूसरी बात तो हम कह रहे हैं ना भैया, कबूल उन्होंने चैलेंज दिया, हमने कबूल करा उसका चैलेंज, तो बात आप मना क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए। अच्छा सुनिए, एक मिनट आपसे तो गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी थी, बहरहाल आप उसे चैलेंज ही समझ रहे हैं, तो मैं कह तो रहा हूँ, तो उसके शरायत नाकिस हैं, शरायत बयान करके मुनाजरा आप कर लो ना, तो मुनाजरा करने की बात तो हम कह रहे हैं, हजरत आप मुनाजरा ही करना चाहते हैं कीजिए, वो तो हम चाहते थे मुनाजरा से अगर बच जाए, बात सही हो जाए, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं बचना है तो कीजिए समझौता। मैंने पहले ही अर्ज किया कि समझौता क्या, अहकाम शरा और अदिल्ला अरबा की रोशनी में बातचीत होगी, ये कोई वैसा समझौता नहीं है। चूंकि आप मुनाजरा करना नहीं चाह रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे समझौता हो जाएगा, बात तो हम करिए मुनाजरा, थोड़े आप थोड़ा सा बोलिए, आप बोलिए, आप जो बोलिए, आप लोग रियल में क्या चाहते हैं, है ना, कि मुनाजरा ही नहीं होना है या समझौता होना है, क्या होना है, क्या करना है, मुंतशिर रहना है, ठीक है, दुनिया के मसाइल और हैं, तो कीजिए मुनाजरा भी किया जाएगा। जो फिरोज भाई के मकान पर बात हुई थी, माइक लो करीब, हाँ, फिरोज भाई के मकान पर जो बात हुई थी, तो उसमें इमाम साहब बता चुके हैं, ये हजरात आए थे, इमाम साहब जो किताबें लेके गए थे वो भाई मसला ख़त्म करने के लिए गए थे, और उसकी वीडियो दोनों कमेटियों के पास है। जब इन मौलाना याकूब साहब ने उसमें कहा कि मैं तहरीर लिख रहा हूँ, तो इमाम साहब ने कहा कि जो मैंने लिखा है आप अपना हुक्म लगाइए, तो उन्होंने कहा कोई हुक्म नहीं लगाया, बस पर्चे लेके तीन महीने सब शांत हो गए। दूसरा, जो अभी सुभान भाई की घर की मीटिंग का बात हुई है, कि वहाँ जो मीटिंग हुई वहाँ भी कोई हुक्म नहीं लगाया गया, जो उसमें लिखा है वही लिख के अपने लेटर पैड पर ले लिया गया है। और इस मामले को, अगर दीनी मामला था तो दीनी मामले को फिर वहाँ ले आया गया, उसको अलग रूप दे दिया गया है। अब जब वहाँ प्रशासन में मुनाजरा, और वहाँ तो मुनाजरे की डिबेट बताई जा रही, या मुनाजरा फिर बताना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन को थोड़ी मालूम है कि दीनी मामला में क्या लक्ष्य होना है, मुनाजरे को कहते हैं, कोई बात नहीं। तो इमाम साहब ने जो बात कही थी वो, ये मुफ्ती अहमद रजाऊ बैठे हैं और काजी साहब बैठे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से उनको खुद कहा, ये वीडियो दोनों कमेटियों के पास है, कि आप कहिए आप कहिए, उनने कहा तो इनकी तरफ से उसमें कोई ऐसी इल्जाम या बात तो करते है कि भाई हम इस पर हुक्म ये लगा रहे हैं, इमाम साहब पे ये लगा रहे हैं। इमाम साहब ने जो अपनी बात कही वो उसमें लिखी हुई है। अब मुफ्ती साहब से मैं हज़रत अल्लाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब कबिला से कहूँगा कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें और कुछ बोलें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد معدن جیود والکرم والہ الکرام اجمعین. حضرات, ہمیں اس مناظرہ گاہ میں ایک بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا. ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے. 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے. دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی. جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے, لیکن بات تو مناظرے کی آئی. اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا. ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں. سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا. جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا, تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا نہیں چیلنج تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے, تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم. اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع, میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں, چلیے یہ دو بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے. ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا, آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا. لڑائی, جھگڑا, شرارت, کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے, وہ سب یہی ہے. ہم ہوں یا آپ ہوں, ہمیں اور آپ کو بلایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا, اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے. اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو. خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے, خانقاہ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں, اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین, آپ کو کہنا سب کے سب خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین, یہ سب کے سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں, یہ اس میں کوئی قادری ہوگا, کوئی برکاتی ہوگا, کوئی رضوی ہوگا, دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے. اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے, اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں, صرف اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں, تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں, ایک موضوع. اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کف لسان ہے. ٹھیک ہے,
ये मौजू बन गया। तो क्या आप में से कोई साहेब इस मौजू पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि हाँ अहले सुन्नत का मौकिफ़ यह है कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में तवक्कुफ़ किया जाएगा, कफ़े लिसान, ये अहले सुन्नत का मौकिफ़ है। आप में से कोई इसका दावेदार है कि अहले सुन्नत का ये मौकिफ़ है, या आप में से कोई इसका दावेदार है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत के मौकिफ़ के एतबार से तमाम सहाबा से अफजल हैं? अगर आप में से किसी का ये मौकिफ़ नहीं है तो हमको इसमें बहस करने की ज़रूरत क्या है, और अगर है आप में से किसी का ये मौकिफ़ है, चलिए मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ, किसी का अगर मौकिफ़ है तो उसका अपना मौकिफ़ होगा। एक बात बयर्ज़ करूँगा, ये जमहूरी मुल्क हैं, न जाने कैसे कैसे अकीदे और नज़रिए के लोग हैं, किसका कौन मुंह पकड़ सकता है, किसकी ज़बान कौन रोक सकता है। आपका जो भी मौकिफ़ हो, कोई आदमी, आप अपना मौकिफ़ अपनाइए, सवालो जवाब हर एक से उससे होगा आखिरत में, लेकिन अपने मौकिफ़ को अगर आप अहले सुन्नत का मौकिफ बनाकर कौम के सामने पेश करेंगे तो अगर उसमें कहीं खराबी होगी तो उलमाए अहले सुन्नत तो उस पर कुछ न कुछ ज़रूर बात करेंगे। तो आप में से किसी का अकीदा हो इस पर तो हमको उससे लड़ना नहीं है, वो क्या कर रहा है उसका अपना मामला है। ला तज़र वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, हर एक को जवाब देता है। अगर आप में से किसी साहब का ये मौकिफ है और वो कह रहे हैं कि नहीं अहले सुन्नत का ये मौकिफ है कि हज़रत अली तमाम सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी अफजल हैं, अगर किसी का आप लोगों से ये मौकिफ है और इस पर वो बहस करना चाहता हो, उसका अपना मौकिफ है वो रखे, हम कौन टटोलने जाते हैं किसी का दिल या किसी का दिमाग हो कि क्या कह रहा है, वो किस अकीदे का है। लेकिन अगर वो इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं कि नहीं यही मौकिफ है अहले सुन्नत का, तो जाहिर सी बात है कि जो अहले सुन्नत का सही मौकिफ है उसको उलमा बयान करेंगे। और दूसरा जो मौकिफ हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कि कफ़े लिसान है, अगर आप में से ये किसी का मौकिफ हो और उस पर वो बहस करना चाहता हो तो फिर उस पर भी गुफ्तगू होगी, और अगर दोनों मौजू पर बहस नहीं करनी है तो आखिर दावाना अनिलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम, हम सदर होने की हैसियत से जितने यहाँ हुजूर वकार मिल्लत के मुरीद बैठे हैं, जो अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो नुमाइंदा है, ना कि आपने सज्जादा नसीन कहा, और प्रशासन को भी ये कॉपी है, कोई ना जेबा अल्फाज किसी के लिए नहीं कहा जाएगा, तो आप पहले ये बात क्लियर करें हजरत के बारे में। नसीन हजरत को लगाना चाहिए था बस, नाजेबा कलमात को कोई थोड़ी कहा उन्होंने, सज्जादा नसीन कहना चाहिए, आप नाजेबा कहाँ ला रहे हैं? आपने इल्ज़ाम लगाया नाजेबा कलमा का, पहले तोबा कीजिए आप, किसी मोमिन के लिए नाजेबा लफ्ज नाजेबा का तोबा कराइए उनसे। अजीर साहब नहीं कहा है कोई, नहीं नहीं, नाजेबा कलमा को जो है आप उससे रुजू कीजिए, बात खत्म कीजिए। हाँ, आपको सज्जादा नशीन साहब सज्जादा देखिए के अल्फाज के साथ देखिए, एक बात मुझे अजीर साहब सुन लीजिए, जब आदमी गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू करने में हर हर लकब, हर हर वस्फ, हर हर खूबी का तस्करा करना ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी नहीं होता है, चूँकि ये मौका क्या है जो उन्होंने कहा है। हजरत इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी जी, जी जी ठीक है, कि कौन सज्जादा नशीन है कौन नहीं है, वो हजरत उन्होंने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा, नहीं नहीं कोई गुफ्तगू, मैं उनको मना कर दिया, मैंने जी, 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 मैंने जी, उनको मैंने उन पर रोक लगा दी, ठीक है जी, जी, जी। यहाँ पर बात जो है बेकार में तूल पकड़ रही है, और यहाँ पे कोई दावेदार नहीं है, जैसे मौलाना साहब मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे कि आप लोग किस मौक़िफ के दावेदार हैं, दावेदार नहीं हैं कि हम इस मौक़िफ के हामी हैं। मुनाजरा
مناظرہ جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا، نیچا دکھانا یہ کسی کی نیت نہیں ہے، جی جی، ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ لوگ۔ بس جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو بھی موقف ہم لوگ ڈسائڈ کریں گے۔ اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے، جو بھی ہے، میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، اور مجھے معلوم ہے کہ علماء اکرام کا بھی وقت، خیر وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کا جو بھی خرچہ ہوا ہے، میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ میں۔ آج یہ چونکہ میرے سامنے چھڑے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت سخن دیتا ہوں، چیلنج نہیں دیتا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ، وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں، جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے، جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے، بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہیں ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ مناظرہ جو بھی ہے، جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے، اس محادثہ ہے، یہ ہو جائے گا، اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بھی بزی ہیں حضرت، ہم لوگ بھی فری نہیں بیٹھے۔ دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے، اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ ماہرہ مطہرہ جا سکتا ہے۔ تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا، اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، شہر میں امن و امان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، آخر یہ نوبت کیوں آئی۔ دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ اگر کوئی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں، اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے، یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے، خانقاہ ماہرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے۔ یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں، تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں۔ جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے، یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا، ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے، گفتگو کرنی ہے، دل کھول کر آئے خانقاہ میں، گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے دو روز پہلے یہ سب بتایا گیا، اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا، تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے، جو میں نے اتنا دو تین گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے، جو میں نے شروعات میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں، اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں، عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے۔ اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو، مرید ہو تو، کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں۔ ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے، ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم، ان کو کیا معلوم کتب، انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں، یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں، یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے۔ آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے، آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو، اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے مہاراج شریف، تاریخ متعین کر لیجئے، یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی، اور آپ علماء کرام جو ہیں آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں، تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے۔ سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی، دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے۔ ایک منٹ سید صاحب، اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ صرف اکیلے افضل سے نہیں ہوا ہے سید صاحب، ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے، اس کی للہ میں تحقیق کرنے دیجئے، میں تحقیق کر لوں اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا۔ جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے، خواص کا مسئلہ، دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے، عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے، خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی، خواص بھی وہی رکھیں گے۔ یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات اور یہ جی سید صاحب وہ کہتے ہیں نا، کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریوا تو چاک چاک ہوا، تو دو سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کیں، اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا۔ ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے، ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں، اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے، چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، کون کس تکلیف میں ہے، تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے، ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں، تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے۔ سید صاحب میں آپ بیٹھے، سب لوگ تشریف لائیں، میرے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ، اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں، انہوں نے بولا تھا تقریر میں، اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے۔ یہ حضرات یہاں موجود ہیں، یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ، اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام لا کر اس مسئلے کو، اور پہلے انہوں نے گفتگو کی، عوام کے کان جب کھڑے ہوئے جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی، اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں، انہوں نے وہ گفتگو بولی، تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے، مفتی صاحب کے لیے نازیبا، ازہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا، انہوں نے رجوع کروایا، یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب، تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ میں نے گفتگو کی ہے، ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی،
हम दूसरों को भी कह रहे हैं कि तुम्हें ये सारे मसाइल में नहीं पढ़ना चाहिए था, संजीदगी से बैठ के यहाँ की यहीं के उलमा हल कर लेते। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मौलाना अफजल साहब की वजह से, उनकी गुफ्तगू की वजह से ये सारे नताइज आए, और जब ये नताइज पैदा हुए तो सामने कायल बैठे हुए हैं। सैयद साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपकी ये ऑन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और ये आपकी तरफ से कुशादा कलबी भी होगी, और एक चीज़ ये भी होगी कि आप वाकईतन इसलाह के लिए आए हैं, हम आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे हैं। आप उनको समझा देंगे तो फिर ये बात दूर तक पहुँचेगी, और सैयद साहब ने उनकी इसलाह की और उनको बताया कि इस तरह की गुफ्तगू बाद में मत करना, इस तरह मसला हल हो जाएगा। इतना ही कहते हैं कि ये बात मैं आवाम में दोबारा नहीं करूंगा। जी हजरत, आपने जो है कहा, काफ़ी अच्छी बात कही, जहाँ तक समझाने वाली बात है, तो मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि दोनों इमामों की वजह से जो भी बातें हुई हैं तो दोनों इमामों को मुखातब करके, या अगर ज़रूरी समझे तो सामने दोनों को बिठा लिया जाए एक एक कुर्सी पर, दोनों को नसीहत आप फरमा दें कि इस तरह से आइंदा झगड़े फसाद वाली बातें नहीं होनी चाहिए। दो लोगों में जो भी हुआ है ये तो उनके दस्तखत जो मिल रहे हैं, बस मामला वही, तो उनको समझा दिया, उनको दोनों को समझा दिया जाए, बात खत्म। ऐसा है, देखिए अजहरी साहब सुनिए, समझाया उसको जाता है जिसने जुर्म किया है, जो मुजरिम नहीं है आप उसको समझा के गोया उसको मुजरिम साबित करना चाह रहे हैं। तो यानी कि आपने मुजरिम साबित कर दिया उनको। हाँ तो जाहिर सी बात है, अकीदा अहले सुन्नत अगर ये है तो फिर बात आपको, आप बताइए अकीदा अहले सुन्नत ये है जो आपने, इन्होंने लिख के दिया है। आप तो पहले कह चुके हैं ये इनका इंडिया मेरा इंडिया नहीं है, इसका मतलब आप मान नहीं रहे इस चीज़ को। और उनका अपना इंडिया, अफजल साहब ने जो मस्जिद में तकरीर की और जिसमें हजरत सरकार सैयदना अमीर मुआविया को काफिर कहा, नहीं काफिर उसका उसकी बयान को, इनके बयान बयान लाइए, नहीं बयान मौजूद है, बयान है, रिकॉर्ड है, लाइए रिकॉर्डिंग को उसको सुने। कहीं ना कहीं से बेइत्तेदाली आ रही है जिसकी वजह से आपस में इंतशाक पैदा हो रहा है, ये बेइत्तेदाली वहां ले जाएगी। बोलो बोलो, रिकॉर्डिंग सुना दी जाए जहां पे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए, और इससे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए। अजरे साहब, यहाँ यहाँ दो मसले हैं। थी बातें तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर बातें बढ़ती जाएंगी, बहरहाल इतनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। सैयद साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा, वो साबित नहीं हो पा रहा है, साबित होगा तो हम जो है यहीं पे रुजू करवाएंगे उनसे, नहीं साबित हो रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने जो उन पर नाफिस आयद किया है, आपको रुजू करना चाहिए सबके सामने। सैयद साहब किबला ने, सरप्रस्त साहब ने, यजीद के बाद काफिया कहा क्या साथी में वहां से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल कहता है मन सब अलीन फकत सब अली, जिसने अली को गाली दिया उसने उस मोहम्मद को गाली दिया, और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोले जोर से। अब सोचो अगर कोई कह देना कि नबी को इन पूरी आवाम से जुमे की तकरीर में बोला है इन्होंने,
और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी, एक चीज़ ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक़ से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तदलाल किया मनसब्बा अलियन, फिर उसके बाद आपने ये इस्तदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है, तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुंचा सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे। इतना माइक पर सुन लिया गया है, सामने सही कहा, खुद भी कहला कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, आवाम से कहलवा रहे हैं, अब रुजू का मसला उनके लिए भी आएगा, उनके निकाह जाएंगे सब। अब आवाम भी तौबा करे, अब तो बड़ा मसला आएगा, निकाह का मसला भी आएगा, जिनसे करवाया है काफिर उनसे भी निकाह का मसला आएगा। इसका मतलब ये है गंद बहुत ज्यादा फैली हुई है। शरीफ भाई बस रहने दीजिए, खामोश हो जाइए, खड़े हो जाइए, कलमा पढ़िए, रुजू करिए, तौबा करिए। आपको पहले मत दीजिए माइक, माइक शरीफ भाई माइक जी 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 माइक जी जी बोलिए। आलिया कादरी और बगदादिया के इनामिया के मुताबिक अच्छे से मालूम है कि अमीर मुआविया इब्ने अबी सुफियान के बारे में हमारे बुजुर्गों का मौकफ क्या है, वो मुसलमान हैं, वो सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं, ये आपको मौक़िफ मालूम है, ये वाज़े तौर पे आपको जो है तालीम किया गया है। आपने अगर ये जो बयान अभी किया है आपने, इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि आप बुज़ुर्गों के मौक़िफ के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने बात करी, लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वगैरह जो भी हैं वो हम मरासिम जो हैं वो अदा करेंगे। इनको माइक दो उनको, और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान एक वो अपने जो है किए पर पछताता है, दिल से पछताता है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू लेके आता है। कलमा पढ़िए, لا اله الا الله محمد رسول الله पढ़िए, आमनतु बिललाह وملائكته وكتبه وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो। या अल्लाह, मैंने तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर नाजिर जानकर तेरी बारगाह में ये तौबा की के मैंने सहाबी अमीर मुआविया के शान में ऐसे नाजेबा अल्फाज कहे जो मेरे बुज़ुर्गों के मौक़िफ के ख़िलाफ़ हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सईद साहब, मैं अब शरी हुकुम के एतबार से, आप जानते हैं कि इन्होंने जुमे की नमाज में सबसे हाथ उठवाया था, वो ऑडियो भी मौजूद है, तो आप जानते हैं किसी मुसलमान को, वो तो सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं, हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं, सब जानते हैं, एक आम मोमिन के लिए अगर कोई आदमी तकफीर का कौल कर ले, तो चूँकि मुसलमान को मुसलमान मानना, काफिर को काफिर मानना ज़रूरियात दीन से है। सैयद साहब, मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी,
तो चूंकि इतने दिनों तक जो इन्होंने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने की बुनियाद पर चूंकि कलमा पढ़ा नहीं था, आपने अभी तजदीद ईमान कराया, तो जितने लोगों को इन्होंने अब तक नमाज पढ़ाई है वो सारी नमाजें ज़ाये हैं। लिहाजा इनको ये भी चाहिए कि अब आने वाले वक्त में जुमे में ऐलान करें कि इस दरमियान से इस दरमियान तक जितनी नमाजें पढ़ी हैं आप लोग उन नमाजों का अदा करें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से इन्होंने काफिर होने का कौल कहलवाया है उन सब पर भी तजदीद ईमान, तजदीद बैत और इसी तरीके से तजदीद निकाह ये भी ज़रूरी है। चूँकि सहाबी रसूल को काफिर कहा और काफिर कहने के बाद तो आप जानते हैं ज़रूरियात दीन में से है, मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना, और ज़रूरी दीन का इनकार कुफ्र इल्तिज़ामी होता है, उसमें कोई रास्ता रहता ही नहीं है। इसलिए ये भी ताकीद फरमा दें और सुन रहे हैं, अब ताकीद का मसला ही नहीं है, अब समझ ही रहे हैं कि जितने हजरात ने इनके पीछे अब तक नमाज पढ़ी थी उस वक्त से लेकर अब तक जब से ये नज़रिया कायम हुआ उस वक्त से लेकर अब तक वो सारी नमाजों का यादा ज़रूरी हो गया और साथ ही उन सब पर भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना ज़रूरी है। बात ख़त्म कर लिया, कुछ और है? इंशाल्लाह जब दोनों हजरात बैठेंगे दोनों कमेटी के तो उनके सामने ये बातें, अभी तो खैर ये लोग भी जो सामने बैठे हुए हैं आपकी तरफ से इंशाल्लाह ताला उनके थ्रू भी इस बात को पहुंचा दिया जाएगा और आम कर दिया जाएगा। और मौलाना अफजल ने तो रुजू कर ही लिया है ज़ाती तौर पर और इंशाल्लाह ये अपने जो इनके मुक्तदी हैं उनको भी वो रुजू करवा लेंगे इंशाल्लाह, और नमाजों का भी इआदा जो है वो करवा लेंगे। ये हुक्म शरा है और हुक्म शरा पे अमल करने से कोई आर नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ता होती है इंसान से, इंसान जो है ख़ता व निस्यान का मुरक्कब है, ख़ता हो जाती है, उस पर अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से रुजू कर लें। ये कोई आपने ये आपका रुजू जो है वो किसी इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं है बल्कि अपने रब को राज़ी रखने के लिए है। लिहाजा आप अपने रब के लिए अपने रब के हबीब की शरीयत पर अमल करते हुए आपने रुजू किया है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल फरमाए और आपको इस पर इस्तकामत बख्शे और मज़ीद आगे कौम के लिए हिदायत का आपको ज़रिया बनाए, ना कि कोई फितना पैदा करने का। ये मैं आपसे तमाम लोगों के बीच में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह ताला फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके पास खानकाह बरकातिया के तमाम मवाकिफ़ आपके पास मौजूद हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको आप एक बात याद रखिए कि आप किसी भी मामले में अगर अपनी खानकाह के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ये अहले सुन्नत के जो मवाकिफ़ हैं हमारे, ये बात जो है फिर इससे आपकी खानकाह पे जजमेंट करने के लिए कोई भी एरा गैरा नत्तू खैरा बुद्धन बैठ जाएगा, ठीक है? तो आप याद रखिए कि आपकी ज़ात जो है ना वो सिर्फ आपकी ज़ात नहीं है बल्कि आप जिसको नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन अकायद की, वो आपकी खानकाह की तरफ से जो हैं उनकी नशो इशात की गई थी। लिहाजा आप जो हैं अपने मुसल्लियों का ख्याल रखें, उनको फितनों में से निकालें। मुल्क के हालात जैसे हम सब जानते हैं, किसी मुफ्ती साहब की वजह से हम लोग नहीं जान रहे हैं बल्कि हम जानते हैं कि मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं। मुल्क के हालात मुसलमानों में इत्तेहाद आपस में रखने का काम उलमा का है और आइम्मा का है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है आलिम दीन होने के नाते कि हम आवाम के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, आपसी मोहब्बत को जो है कायम रखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे चल के इंशाल्लाह अब कोई शिकायत का मौका आपके मुसल्लियों को नहीं मिलेगा। हुजूर से मैं गुजारिश गुजार हूं कि जनाब अफजल बरकाती साहब इस चीज़ को भी नुमाया कर दें। इतकादी तौर पर चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप हज़रत अली को अफजल मानते हैं तमाम साहबे कराम से, और तमाम साहबे कराम से जो कि अफजल मानते हैं जो कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं है, और ख़ास कर जैसा कि खानकाह बरकातिया का एलामिया है कि हज़रत अमीर माविया के ताल्लुक से कि वो साहबी रसूल हैं और बा ईमान साहबी रसूल हैं और मुसलमान हैं, और कफ़ लिसान का जो हुक्म है, तो अब ये जो कफ़ लिसान वाली जो गुफ्तगू की गई है जहाँ पर आपने ये इरशाद फरमाया कि कफ़ लिसान उसी वक्त होगा कि जब सामने से कोई अफजलियत या कोई फ़ज़ाइल बयान नहीं किए जाएंगे, तो अब इस चीज़ पे भी आप वजाहत इस चीज़ की कर दें कि अगर कोई सामने से करता भी है तो हुजूर का एलामिया के मुताबिक वो
چیز کیا ہے؟ اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی، ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا. اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے. مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب، یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا مانگا ہے ان کا؟ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک، تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سب شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب، آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے، دیکھیں آپ کفر کی حالت میں، ایک سید صاحب ایک بار سو، حکم شرع آپ سن لیجیے، وہ سننا آپ کو ہوگا، دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا، حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے. حضرت صاحب ایک بات بتائیے، کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے؟ مجھے بتائیے آپ، موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا. اچھا یہ بتائیے، ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب، جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جمعے میں شریک تھے. نہیں ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں، جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ. دیکھیے سید صاحب، یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں، بڑے خلوص سے. ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا، کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے، عزری صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی، آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے. حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے، حضور تھوڑا سا یہ اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے، کہ مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا، اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے، اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے، جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی، اس کے قائل ہم ہیں نہیں. کج کلا ہوں وہ در دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلا اوشا ہو یا نبی صلی اللہ
मुअलैका या रसूल सलाम, मुअलैका या हबीब सलाम, मुअलैका सलावातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमुल जज़ा, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला दीन मदद, काबा ईमा मदद, इंतदार करम तुस्त मने आईनी रा, ए खुदा जू खुदा बियो खुदा दा मदद। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فسهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار سهل اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اجرنا من النار واجر والدينا من النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حق لا إله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي أمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بار الله كريما كارسازا بندہ نوازا رحیما ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما صحابہ کرام تابعین اعظم اولیاء کرام بزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے ہوئے بتو بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخاست کیا جائے Thank you.
और इस पर वो मुनाजरे का चैलेंज करता था। उसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उनका कहना था कि न उनकी तारीफ़ की जाए न उनकी मजम्मत की जाए, कफ़े लिसान किया जाए, और इस बात को वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ करार देता था। उस शख्स की रेशा दवानियों से परेशान थे, बिलाखिर उसके चैलेंज मुनाजरा को इन हजरात ने कबूल, मिल्लत दामा जिल्लुल आली की सरपरस्ती रही। अजीज़े गिरामी मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहेब उस्ताद जामतुर रज़ा बरेली शरीफ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाकुल कादरी साहेब, हज़रत मुफ्ती अमीर हसन साहेब, हज़रत सैयद हसनैन बकाई साहब और बहुत सारे जलीलुल क़द्र उलमा हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, और फरीक़े मुखालिफ की तरफ से जनाब अफजल बरकाती के साथ साथ दीगर लोग भी शरीक रहे। गुफ्तगु शुरू हुई तो जनाब सैयद सिप्तैन साहब ने कहा कि हम मुनाजरा के लिए नहीं आए, ना मुनाजरा चाहते हैं, बल्कि हम मुतकल्लिम के मनसब पर इस फ़कीर हकीर फ़कीर कादरी मोहम्मद अख्तर हुसैन को हज़रत बाबरकत गयासे मिल्लत ने मुकरर फरमाया था। तो इस फ़कीर कादरी ने भी अपनी कुछ बातें रखीं, और फिर अहले सुन्नत व जमात का सही मौक़िफ़ सब के सामने मुख्तसर लफ्ज़ों में रखने के बाद अफजल बरकाती की हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी को बताया
ये सुनते ही जनाब सैयद सिप्तैन साहब ने भरी महफिल में अफजल बरकाती से तौबा और रुजू का मुतालबा किया और उन्होंने ख़ुद इसे तजदीद ईमान कराया और जिन जिन लोगों ने उसके साथ हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की थी सबसे तौबा कराया और कलमे तैयबा का इजरा कराया और फिर इस सिलसिले में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और जो हजरात उससे हटकर कोई अकीदा और नज़रिया रखे उनका हुक्म और उनकी इक्तिदा में नमाज का हुक्म हज़रत मुफ्ती शहजाद साहब ने बयान किया और फिर हज़रत ग़ियासे मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की दुआ पर ये महफिल इख्तिताम पज़ीर हुई। मैं झांसी के जुमला अहले सुन्नत को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हक का सूरज फिर शहरे झांसी में खूब खूब चमका और जो बातिल नज़रिए की इशात कर रहा था वो कैफरे किरदार को पहुँचा। अल्लाह तबारक व ताला मजहब हक अहल सुन्नत व जमात जिसे इस ज़माने में मसलक आला हजरत के नाम से जाना जाता है उसकी इशात की हमेशा आदत बख्शे और उसी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अमन व अमान बरकरार रखें और कोई भी शरई मसला दरपेश हो तो उलमाए हक से रुजू करें ताकि बग़ैर किसी झगड़े बखेड़े के आसानी के साथ उन मसाइल का हल पेश करके कौम को उलझने से बचाया जा सके। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन। आखिर में मैं पुलिस इंतज़ामिया को काबिल तारीफ़ गर्दानता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी जिस मुस्तैदी से की और अमन व अमान को बहाल रखने में जो उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया और पूरा पूरा वक्त उन्होंने दिया अहले झांसी की तरफ से उनके लिए भी बहुत सारी दुआए खैर है। और हम सब जो अपने बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं उनके तवस्सुल से इनके लिए दुआ करते हैं कि मालिक के ख़जाने में जो सबसे बेहतरीन नेमत हो वो मालिक इन सबको अता करें। वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।